सर मैं पूछ रहा हूँ सर, टाटा पावर है मेरे पास में सर, 1000 शेयर 240 की रेट पे। एक बार रेट बताएंगे, 240 रुपए। ठीक है ठीक है, हम ग्राफिक्स में जरा ये ठीक करेंगे, 249 नहीं 240 जो है रुपए पे खरीदारी इनकी। हाँ पूछें अपना सवाल। सर 240 पे मैंने बाई किया हुआ है सर, एक साल हो गया सर, इसको होल्ड कर करूँ या सोल्ड आउट कर दूँ सर? ठीक है, कितना रुक सकते हैं अगर रुकना हो आपको? सर लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकता हूँ सर मैं। ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए। विवेक जी टाटा पावर, आज तो हम पावर शेयरों में करंट भी देख रहे हैं, टाटा पावर पे क्या होगा नजरिया, लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हैं अच्छे खासे मुनाफे में फिलहाल? देखिए प्रशांत, ये जब पिछली बार 200 मतलब इस लेवल्स पे चल रहा था, तब कई बार बात हुई थी कि वैल्यूएशन थोड़ा कॉस्टली है और कुछ ज्यादा हो नहीं रहा था पावर सेक्टर में, और उसके बाद में सारे के सारे पावर स्टॉक्स में एक करेक्शन आया। लेकिन उसके बाद में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं एक के बाद एक, आज के दिन आपने जैसे कहा एकदम 100% सही है कि पावर सेक्टर में ही वो करंट है बाजार में। और अब पिछले जो क्वार्टर्स का रिजल्ट्स वगैरह देख के जो प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस है पावर सेगमेंट पे, और एनटीपीसी तो मैं कई समय से आपको चैनल पे रेकमेंड कर रहा था, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप टाटा मोर पावर अभी भी सस्ता लग रहा है, और ये इमीडिएट टारगेट हो सकता है कि आपको 301 आजू बाजू दिखाए, तो होल्ड करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जो पावर की खपत है, ऊर्जा की खपत है भारत में, वो यहाँ से और बढ़ने वाली है, और ये सारे स्टॉक्स आपको यहाँ से और ऊंचे स्तर दिखाएंगे। एक और बता दूं, अडानी पावर जैसे आप अगर पिछले कुछ दिनों का अगर डेटा देखो तो वहां पे भी प्रमोटर बाइंग भी चल रही है, तो ये कॉन्फिडेंस देता है कि प्रमोटर्स भी आज के दिन पावर सेक्टर पे बुलिश है, तो होल्ड रहेगी, और अगर किसी को लेना हो लॉन्गर टर्म के लिए डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो